जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दिस इज सीए डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, योर फ्रेंड, योर बेस्ट प्रोफेसर, ऑलवेज हेल्पिंग हैंड टू गेट योर डिग्री दैट इज सीए। फ्रेंड्स, फाइनल एग्जाम आ गया है फ्रॉम टुमारो 21 जैन 2021। इस साल का आईसीआई का पहला एग्जाम है, लेकिन इस बार इस साल में तीन एग्जाम होंगे, राइट? क्योंकि जैन 21 का भी हो गया, मई 21 का और नवंबर 21 का भी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्पेशली ऑल द बेस्ट एंड आपको एक याद दिलाने के लिए कि आप लोग ये एग्जाम को एग्जाम के जैसे नहीं, बल्कि एक बोलते ना डू एंड डाई सिचुएशन वाली एग्जाम के तरह आपको एग्जाम देना है, इसके लिए वीडियो बनाया है। फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट तो डेफिनेटली आपके लिए है, और हमेशा मेरी दुआएं सीए बच्चों के साथ रहते हैं। हमेशा बोलता हूं मैं कि सीए स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है। अभी ये क्रिकेट आया, कल आपने देखा होगा, तो इंडिया का बोलते हैं इंडिया कुछ भी कर सकती है। मैं बोलता हूं हमारे इंडिया तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सीए स्टूडेंट उनसे भी ज्यादा कुछ और स्पेशल कर सकते हैं। सो हम सीए स्टूडेंट की एक खासियत है फ्रेंड्स कि हम कभी पीछे नहीं हटते, और अगर हमको ये चांस और मिल जाए तो फिर उसके बाद में तो हम धज्जियां उड़ा देते। थोड़ा सा अनऑफिशियल लैंग्वेज बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि सी स्टूडेंट की जो खासियत है वो ये कि पहले चांस में ही उड़ाते हैं, लेकिन अगर एक चांस और मिल जाए तो फिर हम एनी हाउ इस बार सी का टैग हमारे नाम के आगे लगा के ही मानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक और चांस आपको मिला है, जो बिकॉज ऑफ मे बी किसी ने ऑप्ट आउट किया हो कोविड की वजह से, मे बी कुछ और रीजन की वजह से, लेकिन एक और चांस जो मिला है, इस चांस को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। इसके लिए इस बार का ऑल द बेस्ट थोड़ा स्पेशल है। फ्रेंड्स, आप एक एग्जाम पहले आ चुका है, तो हो सकता है आपने एग्जाम दे भी दिया हो, एक आई डोंट नो क्या है पोजीशन, लेकिन आपको एग्जाम का थोड़ा सा फील हो चुका है। अब हम दोबारा इंस्टीट्यूट ने जो चांस दिया है उसका प्रॉपर यूटिलाइज करें, यही हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आप बोलोगे सर प्रॉफिटलाइजेशन कैसे करें, ये तो हम हमेशा करते हैं। वो करते हैं वो एक अलग बात है, यहां पर आपको एक्स्ट्रा क्या मिला है, कुछ जो मिस्टेक हुई थी पहले उनको इंप्रूव करने का चांस मिला है। नॉर्मली इंप्रूव करने का चांस 6 महीने बाद मिलता है, लेकिन यहां पर महीने भर बाद ही मिल गया है। तो मेरा आपसे एक ही स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप से पूछ के जाओ कि आपने उस टाइम पे क्या मिस्टेक हुई थी, क्या गड़बड़ हो रही थी, क्यों आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कोचिंग नहीं कर पाए। जैसे मैंने सेशन आंसर भी डाला है एफआर का, आपने देखा होगा। तो न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स दोनों बच्चों के लिए मैंने बोला पेपर लेंदी था, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को ये टेक्निक पता है कि क्वेश्चन जस्ट पता चले कि ये वाले चैप्टर का डायरेक्टली स्टार्ट विद स्टेप नंबर वन, यानी एक मिनट भी सोचना ना पड़ेगा सम क्वेश्चन कहां से चालू करना है, डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट विद स्टेप नंबर वन, देन फ्रेंड्स पेपर लेंदी नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमने 2 मिनट 5 मिनट सोचने में लगा दी कि इसको चालू कहां से करूं, इसमें क्या स्टेप फॉलो करूं, इसका क्या स्ट्रेटजी बनाऊं, तो फिर हमारा टाइम कम पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा पेपर उन्होंने दे दिया। अभी 16 पेज का 20 पेज का तो पेपर ही था, ओल्ड कोर्स का 16 पेज का, मणिपुर का एफआर का 20 पेज का। तो बोलने का मेरा मतलब यह है कि जो मिस्टेक आपने की है उनसे आप पहचानो, उनसे कुछ सीखो, और उन मिस्टेक्स को अभी नहीं करना है। इसके लिए प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि हम इस बार 1% ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे कि ऐसे हमको 1% चांस हो जाएगी नेगेटिव रिजल्ट, हमको 100% श्योरिटी वाला पास हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जो टेक्निक है वो आप स्टडी करने का, जो टेक्निक स्टार्टिंग से लर्न कर रहे हो उसी सिस्टम को फॉलो एग्जाम में करना है। आप एग्जाम में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश मत करना कि नहीं एग्जाम में मैं ऐसे अच्छे से जमा के लिखूंगा या मैं कुछ ऐसा पर्टिकुलर चीज करूंगी, ऐसा सिस्टम मत बनाना। जो आप सिस्टम बना रहे हो, जो आप सिस्टम स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हो, वैसा ही करो। इसलिए आज आपके पास जो टाइम है, क्योंकि कल तो एग्जाम ही है, आप हर चीज को जो भी चैप्टर है एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन आप प्रॉपर वे में लगा लें कि भैया ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो मैं ऐसे ही करूंगा। तो ऐसे आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम हॉल में मेरे को इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन को इस सीक्वेंस में करना है, अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो एक क्वेश्चन को हर चैप्टर का एटलीस्ट आप बराबर हाथ से लगाएं। तो क्या होगा, एग्जाम हॉल में आपको स्टार्ट कैसे करना है और वो जो प्रोसेस होती है वहां पे आपको तकलीफ नहीं आएगी। दूसरी बात फ्रेंड्स,
मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि आपको जो 3 hours 15 minutes मिलते हैं आपको, हाँ मैं 3 hours 15 minutes बोलता हूँ, क्योंकि 15 minutes रीडिंग टाइम को भी मैं इफेक्टिव टाइम में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो शेयर किया हुआ है, आप उसको एक बार देख लीजिए कि हाउ टू यूटिलाइज 3 hours 15 minutes, जिससे एग्जाम हॉल में हमको वो 3 hours 15 minutes ऐसा लगे कि इफेक्टिवली हमको 3 hours 15 minutes ही दे दिया है, ना कि खाली 3 hours दिए। तो वो सिस्टम को थोड़ा यूज करो। और मनोज के एफआर फ्रेंड्स रिजल्ट 100% बताता है आपको, 100% रिजल्ट ला के देता है अगर आप वो सिस्टम को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मनोज के एफआर सिस्टम फॉलो किया है, चाहे वो पास्ट स्टूडेंट हों और अभी एग्जाम दे रहे हों, या मई में जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, नवंबर में जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, फ्रेंड्स ये श्योर है कि उन लोगों के लिए एक बात तो पता रहता है कि एग्जाम हॉल में हमको एक तो कॉन्फिडेंस फुल रहता है, दूसरा जो लेंथी पेपर है वो छोटा हो जाता है बिकॉज ऑफ हमको सोचना नहीं पड़ता हमको कहाँ से चालू करना है, तीसरा हमको ये टेक्निक पता है कि पहले हमको 60-70 मार्क्स हमारी पॉकेट में रख लेना है, उसके बाद में 30-40 मार्क्स में हम थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते रहेंगे कि कैसे ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन पहले हमारे 60-70 मार्क्स 100% श्योरिटी वाले पॉकेट में हो जाने चाहिए, जो कि मैक्सिमम 2 and 2.5 hours के अंदर हमारे पॉकेट में आ जाते हैं। उसके बाद में रिलैक्स होकर हम जो भी चीज बची हुई है उसको करेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन 70 मार्क्स हमारे 100% श्योरिटी वाले मिल जाने चाहिए, जिससे हम लोगों को एग्जाम हॉल में ये डर ना लगे कि यार अब क्या होगा पता नहीं, भगवान बचा ले, बराबर फ्रेंड्स। क्योंकि अभी समझ लेना कि जो भी इशू हुआ हो आपका ऑप्ट आउट की वजह से, बट ये भगवान ने आपको चांस दिया है दूसरा, उस चांस को यूटिलाइज करना है और इस बार 100% CA में क्लियर होना है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको जो भी कुछ पर्सनल इशू हो आप मेरे को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट हो 24 hours मेरा फोन चालू रहेगा, आप डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो नोट डाउन माई नंबर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम पर्पज, 9987078546, आई रिपीट 9987078546। ओके, सो आप मेरे को डायरेक्टली कॉल करिए, और जो भी डाउट हो तुम्हारा एफआर से रिलेटेड, न्यू कोर्स, ओल्ड कोर्स, सीए इंटर अकाउंट से रिलेटेड, सीआईपीसीसी अकाउंट से रिलेटेड, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, बट एक ही प्रॉमिस रखना है कि 80+ एफआर में लाना है, और मनोज का एफआर सिस्टम फॉलो करोगे तो 100% आएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, भगवान को याद रखना, सबसे बड़े भगवान हमारे पेरेंट्स होते हैं, अगर कभी डर लगे तो पेरेंट्स को याद कर लेना फ्रेंड्स, आपका डर खत्म हो जाएगा, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो अपने भगवान को याद करते हुए बहुत अच्छे से मेहनत करते हुए एग्जाम देने जाइए, यू विल 100% पास। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम, बाय बाय।